दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो इलेवेंथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेबस लास्ट टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस आता है और उसको हम कैसे कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा हम कैसे प्रैक्टिस करें, कौन सा ऐसा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपने उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप आराम से उस टॉपिक में आपको मार्क्स मिल सकता है। पर इलेवेंथ की एक चीज है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए कि इलेवेंथ के अंदर जो कॉलेज में टीचर्स पढ़ाते हैं मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड डालते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे टॉपिक्स बता रहा हूं। अगर आपके टीचर ने यह टॉपिक पढ़ाया होगा तो आप प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो मोस्टली अगर पार्ट टू में ज्यादातर लोगों के सिलेबस में आप देखो इसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस सभी का सिलेबस हो सकता है कि कॉलेज का सिलेबस होता है इलेवेंथ का तो हो सकता है कि वो लोग दूसरा लेसन भी डाल दे। पर अगर किसी के सिलेबस में अगर समझो लेसन नंबर फिफ्थ है तो लेसन नंबर फिफ्थ सेट्स एंड रिलेशन में उसे क्या करना चाहिए, सर ऐसा कौन सा मैं प्रैक्टिस सम करूंगी जिससे मेरा पूरा का पूरा पार्ट हो जाए। तो दोस्तों उसको मेरा सजेशन है, सबसे पहला उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम एटलीस्ट एक दो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। बहुत सिंपल सा फॉर्मुला है, उस फॉर्मुले से अगर वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है और थोड़ा बहुत अगर वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर अगर वो चले जाता है जो हमने नाइन्थ क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सब अगर थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड सम सॉल्व कर ले तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में वो चले जाए और वहां पे उसे डोमेन और रेंज का क्वेश्चन मिलेगा, उस टाइप का अगर वो क्वेश्चन कर ले तो उसका पूरा टेंशन इस लेसन का खत्म हो जाए। ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन इसमें का, दो क्वेश्चन इसमें का, मतलब चार पांच क्वेश्चन में ये लेसन कंप्लीट। अगर किसी के एग्जाम में अगर समझो फंक्शन लेसन आ रहा है, फंक्शन लेसन आ रहा है तो दोस्तों हमें क्या करना है, फंक्शन लेसन बहुत बड़े बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे पर मेरा सजेशन है कि आप लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन है जहां पे आपको लॉग का कुछ प्रूफ है, लॉग के क्वेश्चन दिए हैं आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। एंड देन इसके बाद एफ ओ जी जीओ एफ बाद में एफ ओ एफ जी ओ जी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसे भी आप प्रैक्टिस कर लेना। देन इसके बाद अगर हम आते हैं लिमिट्स में, बहुत सारे लोगों को लिमिट्स लेसन इस बार होगा। लिमिट्स लेसन में आपको सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोरोलरी है एक्स रेस टू एन वाला, अगर इसने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बोल रहा हूं जाके देख लेना, तो उस कोरोलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व कर लेना। एंड देन सेकेंड एक्सरसाइज में दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व कर लेना। अगर रेस टू क्यूब वाले अगर आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो दो क्वेश्चन इसमें सोल्व कर लेना। एंड देन इसके बाद अगर आपसे हो रहा है तो एक रूट वाले भी क्वेश्चन है, रूट वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना होगा, उसके कॉन्जुगेट से उसे मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, वो एक सम ले लेना, मतलब एक सम ये और एक इसमें का, दो इसमें का, मतलब यहाँ पे टोटल चार क्वेश्चन हो गए। और 7.6 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करना क्योंकि इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपके कॉलेज में 7.6 एक्सरसाइज, देखो यहाँ पे ना तो बोर्ड एग्जाम होगा तो यहाँ पे हो सकता है कॉलेज में जो टीचर्स जो एक्सरसाइज पढ़ाते हैं उसके ही क्वेश्चन डाल देते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके टीचर ने 7.6 एक्सरसाइज पढ़ाया है तो प्लीज इसके क्वेश्चंस कर लेना। एंड देन इसके बाद कंटिन्यूटी का, अगर आप बहुत सारे कॉलेजेस में कंटिन्यूटी का सिलेबस कैंसिल किया होगा, अगर आपके आपके अगर कॉलेज में अगर कंटिन्यूटी का सिलेबस होगा तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करना, तो मतलब कॉमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें भी दो तीन क्वेश्चन सोल्व कर लोगे हो जाएगा, वहां लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। एंड देन लास्ट वन, फिर से मैंने यहां कंटिन्यूटी लिख दिया, एक्चुअली कंटिन्यूटी नहीं है, डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन है, मतलब ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप देखोगे ट्वेल्थ का सिलेबस तो पूरा का पूरा ट्वेल्थ का सिलेबस में मैक्स टू पूरा का पूरा डेरिवेटिव पे ही है। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में एटलीस्ट एक सम का ही प्रैक्टिस करना चाहिए, ज्यादा सम का प्रैक्टिस मत करो, पर सेकेंड एक्सरसाइज दोस्तों आपको 100% और अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। और इसमें से ये पूरे सिलेबस में से अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता देना, मैं उस टॉपिक का आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से आपको इस ऐसे ही अगर आप चाहिए, अगर मैक्स वन पे भी आपको चाहिए कि सर हमें मैक्स वन में आप बता दो कि कौन से लेसन में कौन सा वाला टॉपिक करें जिससे हम कम टाइम में, अब कोई भी बच्चा अगर 5-6 घंटा बैठ जाए तो पूरा का पूरा उसका मैक्स टू रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप मैक्स वन में भी चाहते हो कि कुछ सर आप मुझे बता दो कि कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए जिससे हम अच्छे से लास्ट टाइम में अपने प्रिपरेशन को कर सके, और ऐसे आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी में भी चाहते हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।